the subject is singular, the verb is singular. But if the subject is plural, the verb is plural. A number of. When we use a number of, the verb is plural. For example, a number of roses. Attracted our attention. A number of roses attracted our attention. बहुत से गुलाबों ने हमारे ध्यान को आकर्षित किया. A number of roses. A number of का मतलब है एक संख्या में गुलाबों ने, यानी बहुत से गुलाब. ये प्लूरल वर्ब है. इसके ये सब्जेक्ट ही अपने आप में प्लूरल बन जाता है. अट्रैक्टेड अवर अटेंशन, ने हमारे ध्यान को आकर्षित किया. दूसरा एक्सप्रेशन है द नंबर ऑफ. जब नंबर ऑफ आता है तो वर्ब सिंगुलर होती है. द नंबर ऑफ का मतलब है एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित संख्या हो गई पर्टिकुलर. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स was not sufficient was. भाग लेने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं थी. जितनी संख्या होनी चाहिए किसी एक्टिविटी में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए, वो उतनी नहीं थी संख्या. ये प्लूरल हो गया, प्लूरल सिंगुलर हो गया. ए नंबर ऑफ रोजेस अट्रैक्टेड अवर अटेंशन. अगर हम इसको पहचानने के लिए करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ रोजेस अट्रैक्टेड अवर अटेंशन. बहुत से गुलाब हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं. ये वर्ब हो गई कैसी, ये वर्ब कैसी हुई, ये वर्ब हो गई सिंगुलर प्लूरल. ए नंबर ऑफ रोजेस अट्रैक्ट अवर अटेंशन, ये वर्ब हो गई प्लूरल. बहुत से गुलाब हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं. और द नंबर ऑफ आने पर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज नॉट सफिशिएंट. भाग लेने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं थी. ये वर्ब हो गई सिंगुलर. संख्या हो गई संख्या, इसलिए संख्या एक हो गई. और वहां पर बहुत से, ए नंबर ऑफ रोजेज मीन्स बहुत से गुलाब, एक संख्या में गुलाब बहुत से, इसलिए वहां पर प्लूरल वर्ब लगी है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगी है. क्लियर? ए वैरायटी ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं. विविधता, विविध. ए वैरायटी ऑफ
स्वीट डिशेज अट्रैक्ट अस इन दिस पार्टी अ वैरायटी ऑफ स्वीट डिशेज यानी बहुत सी मिठाई की तस्करियां अट्रैक्ट अस इन दिस पार्टी इस पार्टी में हमें आकर्षित करती हैं अ वैरायटी ऑफ बहुत सी मिठाई की तस्करियां हमें इस पार्टी में आकर्षित करती हैं ए वैरायटी ऑफ होने पर प्लूरल पर द वैरायटी ऑफ होने पर सिंगुलर अब वैरायटी ऑफ लगाने पर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं और द वैरायटी ऑफ लगाने पर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं कैसे आती है सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल बहुवचन द वैरायटी ऑफ न्यू फैशन ड्रेसेस इज अट्रैक्टिव नई फैशन की ड्रेसेस की विविधता यहां पर आकर्षक है विविधता एक हो गई और उधर ए वैरायटी ऑफ होने से बहुत सी मिठाई की तस्वीर वो प्लूरल बन गई वो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया और ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है वैरायटी सिंगुलर है दालत है पर मोर देन वन आने पर वर्ब सिंगुलर लगती है मोर देन वन विंडो ग्लास ब्रोकन मोर देन वन विंडो ग्लास ब्रोकन एक से ज्यादा खिड़की टूटी थी मोर देन वन का प्रयोग अगर आप परीक्षा में देखें तो तुरंत समझ जाइए कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और मोर देन टू देखें मोर देन टू या मोर देन थ्री मोर देन फोर मोर देन फाइव ऐसा आने पर प्लूरल वर्ब में More than two. Windows were broken. दो से ज्यादा खिड़कियां टूटी हुई थीं। अगर more than one आप देखते हैं परीक्षा में तो समझ लीजिए कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और मोर देन टू देखते हैं तो समझ लीजिए
फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब लगे और क्लियर। अगर मैंने ये आता है तो वर्ब सिंगुलर लगे, बहुत से अवसरों पर एक बच्चा सारे खिलौने तोड़ देता है। मैनी ए चाइल्ड, बहुत सी बार एक बच्चा ब्रेक्स ऑल द टॉयज, सारे खिलौने तोड़ देता है। मैनी ए सिंगुलर का इंडिकेशन देता है एक वचन का, और मैनी प्लूरल का देता है। Many children, are enjoying this rhyme. वैसे भी आप देखिए many A के बाद तो subject जो आता है वो singular होता है चाहे, और many के साथ जो आता है वो बहुवचन होता है मैनी चिल्ड्रन। तो मैनी चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग दिस राइम, बहुत से बच्चे इस कविता को, इस कविता का आनंद ले रहे हैं। आर एंजॉयिंग दिस राइम, इस राइम का आनंद ले रहे हैं। तो मैनी होने पर प्लूरल वर्ब और मैनी ए होने पर सिंगुलर वर्ब प्रयोग में ली जाती है। Can't help, no use, no good, any use. अगर ये expressions आते हैं तो verb plus ing यानी जीरण प्रयोग में लिया जाता है। कांट हेल्प का मीनिंग है के बिना नहीं रह सकता। कांट हेल्प, ओनली कांट, कांट हेल्प। वैसे तो हेल्प का मतलब सहायता का, लेकिन सहायता करने वाला मीनिंग इसमें नहीं आता। के बिना नहीं रह सकता। जॉर्ज इज अ ड्रंकार्ड, एंड ही कांट हेल्प ड्रिंक वाइन।
मान लीजिए ऐसे आ गया, जॉर्ज इज ए ड्रंकार्ड, जॉर्ज एक शराबी है, एंड ही कांट हेल्प ड्रिंक वाइन, और वह शराब पिए बिना नहीं रह सकता। कौन सा पार्ट गलत है? ड्रिंकिंग वाइन। पार्ट नंबर 4 गलत है। जब कांट हेल्प आता है तब वर्ब में आईएनजी आती है, ड्रिंकिंग इज करेक्ट। Drink is wrong, drinking is correct. Can't help का क्या मीनिंग आया? के बिना नहीं रह सकता। और क्या आता है इसके बाद? जीरंड आता है, यानी आईएनजी वाली वर्ब आती है। जब कभी आप परीक्षा में can't help देख लें तो उसके बाद ये देखें कि इसके बाद जो वर्ब आई है वो आई एन जी वाली है या नहीं है। अगर आई एन जी वाली वर्ब नहीं है तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि कांट हेल्प के बाद आई एन जी वाली वर्ब आती है और हेल्प का मीनिंग सहायता करना नहीं है। यहां पर के बिना नहीं रह सकना, ये मीनिंग होता है। बात समझ आ रही है? अब आप देखिए, नो यूज का मतलब है कोई प्रयोजन नहीं। नो यूज कोई प्रयोजन नहीं। इट इज नो यूज टू सिट हियर, ध्यान से देखिए, इट इज नो यूज टू सिट हियर एंड वेस्ट योर टाइम। टू सिट नहीं आएगा, तब नो यूज वाला एक्सप्रेशन आएगा। नो यूज जब आएगा तो जीरंड आएगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। इट इज नो यूज sitting here and wasting your time. बात समझ आई? जब कभी नो यूज आएगा तो जो वर्ब आएगी आए उसमें आईएनजी होनी चाहिए, अगर आईएनजी नहीं है तो बता। नो गुड आएगा।
एनी यूज, कोई अच्छाई, कोई अच्छी बात, इज इट एनी यूज? टू वेट फॉर द ट्रेन, दैट इज लेट बाय 6 hours. क्या उस ट्रेन का इंतजार करना करना कोई अच्छी बात है जो 6 घंटे लेट है? इज इट एनी यूज? टू वेट इज रॉन्ग, इट शुड बी वेटिंग. इज इट एनी यूज वेटिंग फॉर द ट्रेन दैट इज लेट बाय 6 hours? कोई प्रयोजन? सर आपने ये इसमें क्या उस ट्रेन का जो 6 घंटे लेट है इंतजार करना कोई प्रयोजन की बात है? सर आपने इंटरव्यू वो लगाया एनी का प्रयोग इंटरव्यू सेंटेंस में पढ़े थे ना एडजेक्टिव में Can't help, no use, no good, any use. सर इसको any use कौन सा? Any use. Is it any use? Going on strike? So, is it होता ना? It is होना होता है. उसको नाचा क्या ना? Is it any use? Going on strike? क्या हड़ताल पर जाने का कोई प्रयोजन है? जब जब any use आएगा, तो यहाँ verb में ing आएगा, यहाँ going है, going on strike है, to go on strike नहीं आएगा. बात समझ में आ रही है? कोई कोई प्रयोजन है क्या? कोई प्रयोजन? एनी यूज? एनी गुड? कोई अच्छाई? पॉइंट क्लियर हुए? हाँ मेनी मीन्स
ट्रांसपोर्ट, यातायात के बहुत से साधन हैं, बहुत सी गलियां हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ आर लग रहा है। और his means are poor, उसके जो धन दौलत है, उसके पास आर्थिक स्थिति है उसकी, वो खराब है। his means are poor, ये आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। और यहाँ साधन सिंगुलर है और यहाँ विधियाँ प्लूरल है, मीन्स वही है। यूथ नव युवक प्लूरल, और यूथ यौवन सिंगुलर। द यूथ वर स्टिम्युलेटेड बाय गांधी जी, फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। नव युवकों को गांधी जी के द्वारा आजादी के संग्राम के लिए उत्प्रेरित किया गया, उत्प्रेरित किया गया यानी स्टिमुलेटेड, बड़े स्टिमुलेटेड। यहां पर यूथ का मतलब है बहुत से नवयुवक, प्लूरल है। और यौवन सिंगुलर है, यूथ इज ए पीरियड। ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, यौवन आनंद और सक्रियता की एक समय अवधि होती। यूथ अगर अकेला आया है तो इस लगे, और द यूथ आया है तो आर लगेगा या बर लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। और इसमें यूथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। पीरियड मींस अवधि। Addicted to, accustomed to, habituated to, look forward to, with a view to. ये कुछ expressions हैं, इनके बाद जीर्ण प्रयुक्त होता है।
Hiran means verb plus ing. Young boys and girls are addicted to drink wine. A sentence where part number 4 is wrong. To drink is wrong. It should be drinking. Addicted to drinking. वैसे टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जैसे मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर. मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म द पुलिस. तो जब कभी भी आएगा टू तो उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन उनके साथ वर्ब प्लस आई एन जी जीरन प्रयुक्त होता है. आदत पड़ जाना, आदत पड़ जाना. शीला इज हैबिचुएटेड. टू कमिंग लेट. टू कम लेट इज हाउ. शीला इज हैबिचुएटेड टू कमिंग लेट. हैबिचुएटेड टू कम लेट इज रॉन्ग. क्या आएगा? कमिंग आएगा. क्योंकि ये एक्सप्रेशन है हैबिचुएटेड टू. अकस्टम्ड टू दे ऑल आर अकस्टम्ड टू. Following the rules of orthodoxy. They all are accustomed to following. Is correct? The rules of orthodoxy. Puranapan. Purani rude badita. रूढ़वादिता के नियमों का की पालना करने की उनको सबको आदत पड़ गई. अकस्टम्ड टू यानी हैबिचुएटेड टू, उनको हैबिट पड़ी हुई है. खराब आदत पड़ने के लिए जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, उसके लिए एडिक्टेड आता है. This girl, ये लड़की is addicted to taking drugs. ये लड़की ड्रग्स लेने की अभ्यस्त है. ड्रग्स लेने की इसको आदत पड़ गई है. क्लियर? ये जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं आपके, इन सब के साथ लग रहा है आई एन जी वाली पर.
अब नेक्स्ट देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, मीनिंग है आस लगा कर देखना। आस लगाकर देखना, लुक फॉरवर्ड टू। ही लुक्स फॉरवर्ड, टू सी हिज ब्रदर्स हेल्प। Which part is wrong? Seek is wrong. वह अपने भाई की मदद लेने के लिए आस लगाता है। आस लगाना, आस लगाकर देखना किसी की तरफ कि उससे मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसी मदद मिल जाएगी, या ये मिल जाएगा। इसको कहते हैं look forward to। जो परीक्षा में होता था ध्यान रखें। अब यहाँ कौन सा पार्ट गलत है? होना क्या चाहिए? सीकिंग। He looks forward to seeking his brother's help। सीकिंग है। मैं तुमसे नजदीक भविष्य में ही मिलने की आस रखता हूँ, आस लगाता हूँ। तो क्या होगा बताओ, क्या बता सकते? मैं नजदीक भविष्य में, इन नियर फ्यूचर, तुमसे मिलने की आस लगाता हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू I look forward to contact you is wrong. I look forward to contacting you. Look forward to आया, इसलिए ing वाली वर्ब लगेगी। Contact is wrong. Contacting. I look forward to contacting you in near future. मैं नजदीक भविष्य में तुमसे मिलने की आस लगाता हूँ। समझ रहे हो? लुक फॉरवर्ड टू आने पर आई एन जी वाली वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यूकली इंपॉर्टेंट ये है विद ए व्यू टू की दृष्टि से। इस नए शब्द का अर्थ जानने की दृष्टि से मैंने एक डिक्शनरी को कंसल्ट किया। की दृष्टि से क्या इंग्लिश होगी? आई कंसल्टेड अ डिक्शनरी। With a view to know the meaning of a new word, एक नए शब्द का अर्थ जानने की दृष्टि से। करेक्ट होगा with a view to knowing the meaning। With a view to knowing the meaning of a new word, समझ गए? नो नहीं आएगा। वैसे देखने में करेक्ट लगता है क्योंकि टू के बाद आ रहा है। जब जब टू के बाद आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
लेकिन ये एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखिए। अब एक एक्सप्रेशन है यूज्ड टू, और एक दूसरा है इज आर एम बार बर यूज्ड। दोनों में अंतर, यूज्ड टू जब हम लगाते हैं तो पास्ट हैबिट बीते हुए समय की आदत को डिनोट करता है, इन हिज बॉयहुड डेज he used to play in the street. अपने लड़कपन के दिनों में वो गलियों में खेला करता था। क्या आ रहा है? Used to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। खेला करता था यानी बीते हुए समय में उसकी आदत थी। क्या लगेगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब दूसरा यही यूज टू आ जाता है इस रूप में इज आर एम बाज वर्ब आने पर। इनकी बात जब यूज टू आता है तो हम वर्ब प्लस आई एन जी। This young man, ये नौजवान आदमी is used to waste money. Used to wasting money आएगा। This young man is used to wasting a lot of money कर दिए। इस नवयुवक को बहुत अधिक धन नष्ट करने की आदत पड़ गई है। जब कभी इज आर एम बाज बर आएगा और इसके बाद यूज टू आएगा तो आई एन जी वाली वर्ब आएगी। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूज टू है केवल यूज टू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अपनी लड़कपन के दिनों में वह गलियों में खेला करता था, खेला करता था, जाया करता था, आया करता था, उसकी इंग्लिश है यूज। और जब इस यूज टू से पहले एज आर एम बार बार आ जाते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। दिस यंग मैन इज यूज टू वेस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी। यह नवयुवक बहुत सा धन बर्बाद करने का आदि हो गया है, का आदि हो गया है। वो पास्ट टेंस का था, यूज्ड टू खेला करता था, और ये आदि हो गया है। अनिता बाज यूज
एट द रिवर साइड, नदी के किनारे पर बैठने की अनिता को आदत पड़ गई। वो जाती थी नदी के किनारे पर बैठ जाया करती थी। अनिता वाज यूज्ड टू सिटिंग एट द रिवर साइड। अनिता नदी के किनारे पर बैठने की अनिता को आदत पड़ गई थी। बाज आया इसलिए यूज्ड टू के बाद आईएनजी वाली वर्ब आ गई। ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर? अब आप आगे देखिए, एज वेल एज टुगेदर विद बिसाइड्स हेडेड बाय accompanied by and not with आने पर इनसे पहले आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रिवर या सिंगुलर होगी। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, अगर ये आ जाते हैं तो इनसे पहले जो आता है सब्जेक्ट, अगर इनसे पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, इनसे पहले आने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एज के बाद क्या आया है, माई फ्रेंड्स आए। अब माई फ्रेंड्स ऑफ प्लूरल है और आई आई क्या है, आई सिंगुलर है, अब आई के अनुसार वर्ब लगेगी, फ्रेंड्स के अनुसार आर नहीं लगेगी, एम लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा? हाँ नहीं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार एबेले आ गया, इसके बाद में तो आया है माई फ्रेंड्स। मैं और मेरे मित्र आज व्यस्त हैं, नहीं हैं, समझ गए? हिंदी में तो हो जाएगा है, इंग्लिश में नहीं होगा। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम बिजी टुडे अब टुगेदर विद मी। सुनीता टुगेदर विद हर क्लास फेलोज
बोलो क्या लगेगा? ये लड़की एक है और उसके क्लास फेलोज बहुत से, सुनीता टुगेदर विद हर क्लास फेलोज हैज कम हियर, हैव कम नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना? अगर ये एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो इनके बाद आधा भाग तो दूसरा सब्जेक्ट होगा और इनसे पहले आने वाला सब्जेक्ट अलग होगा। दो सब्जेक्ट, तो पहले वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब लगेगी। अब समझे? द चीफ मिनिस्टर अब देखिए एंड नॉट, एंड नॉट द कैबिनेट मिनिस्टर्स, इज कमिंग हियर। एंड नॉट के बाद क्या आया? द कैबिनेट मिनिस्टर्स आए। कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत से प्लूरल है, हम प्लूरल के अनुसार वर्ब नहीं लगाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर के अनुसार वर्ब लगाएंगे। इज कमिंग हियर, ये आपको ध्यान रखना पॉइंट। अब आया besides, nothing besides mangoes, sold here is ya nothing. Nothing besides mangoes is sold here. Mangoes के अनुसार वर्ब नहीं लगेगी, nothing के अनुसार वर्ब लगेगी। एक है along with, along with, सुनील along with his क्लास फेलोज या क्लासमेट्स टू मुंबई, हैज गॉन या हैव गॉन? हैज गॉन इज करेक्ट, हैव गॉन इज रॉन्ग। सुनील अलोंग विद हिज क्लासमेट्स, सुनील अपनी कक्षा के साथियों के साथ मुंबई चला गया है। कौन नहीं आएगा? विद, क्या ये पॉइंट्स तुम्हारी समझ में आ गए? हैव यू फॉलो? दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आधार पर वर्ब निश्चित होती है कि कौन सी वर्ब फॉर्म लगा। देखिए
जयपुर अ स्मॉल विलेज वी वुड नॉट लिव सो कंफर्टेबली। अगर जयपुर एक छोटा सा गांव होता तो हम इतने आरामदायक स्थिति में नहीं रह लेते। बर का प्रयोग कल्पना करने पर कल्पना होने पर इमेजिनरी कंडीशन काल्पनिक शर्त होने पर हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। वर सी माई ट्रू फ्रेंड और वर सी माई फ्रेंड शी वुड नॉट बिट्रे मी। यहां वर लग गया सी के साथ। वर सी माई ट्रू फ्रेंड सी वुड नॉट बिट्रे मी। अगर वह मेरी मित्र होती तो वो मुझको धोखा नहीं देती। अगर जयपुर एक छोटा सा गांव होता तो वी वुड नॉट लिव सो कंफर्टेबली। तो हम इतने आरामदायक स्थिति में नहीं रहते थे। समझ रहे हैं? तो वर का यूज होगा चाहे जयपुर हो और चाहे सी हो, ही हो, आई हो। या फिर इफ आई वर अ मिनिस्टर आई वुड सॉल्व दिस फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। मतलब क्या होता है आपने धोखा देना ना? हाँ धोखा देना। अगर मैं एक मिनिस्टर होता इफ आई वर ए मिनिस्टर तो आई वुड सॉल्व दिस फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। तो मैं इस भयानक समस्या को हल कर देता। जब इधर वर आता है तो इधर क्या आता है? गुड प्लस वर की पार्टी। ठीक है, ये याद रखना है, ये नियम है। और वर किसके साथ आएगा? हर चीज के साथ है। इफ दिस चेयर वर ए न्यू वन, अगर यह कुर्सी नई होती तो आई वुड यूज इट, तो मैं इसे प्रयोग में ले लेता। तो चेयर के साथ भी वर आ गया, ये चेयर के साथ भी वर आ गया। ये इमेजिनरी कंडीशन में कैसा होता है कल्पना होने पर। अब दूसरा ओपन कंडीशन में इफ यू कम हियर विल कम हियर गलत है। हिंदी में तो हम यही बोलेंगे वेलकम आऊंगा। अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इंग्लिश में होगा अगर तुम यहां आते हो, यानी फ्यूचर नहीं आएगा इंग्लिश में, इधर प्रेजेंट आएगा और इधर फ्यूचर आएगा। ठीक है, वी मीट टुमॉरो।